योग से जीवन कैसे रूपांतरित हो रहा है उपवास से, उपासना से, सुनते हैं। सबसे पहले हमारे छोटे बाबू से शुरू करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? निवेदिता। निवेदिता बहुत सुंदर नाम है। निवेदिता निवेदन करो। स्वामी जी, एक नया शब्द है डिटॉक्स, और ये हमारे शास्त्रों में है उपवास। मैं माह में 3 करती हूँ, 2 एकादशी और 1 चतुर्थी। तीनों दिन अन्न नहीं होता है और इतना अच्छा लगता है, मतलब भगवान से तो जुड़े ही होते हैं लेकिन शरीर भी साथ में बिना अन्न के बहुत अच्छा महसूस होता है उस दिन ये। और साथ में आपने योग जोड़ दिया तो वो अंदर से बहुत खुशी देता है, लगता है खुद का एक नया शब्द है मी टाइम, वो लगता है अपना ये मी टाइम है। ये बात ठीक कही आपने, आत्मरति हो जाते, आत्म तृप्ति। गुरुकुल वाले और कितनी है? ये इन गुरुकुल वाले से पूछते हैं, तुमने गुरुकुल में तो बहुत सीखा है, अब ये नया गुरुकुल है मेरा, सीनियर सिटीजंस का गुरुकुल। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। 1 महीने का उपवास किया था, मेरे गले में यहाँ गांठ हो गई थी, टीबी की गांठ थी, तो नींबू पानी और प्राणायाम और योग ये तो चलते ही थे साथ में, तो ये सब करते हुए 1 महीने तक उपवास किया था। गांठ मेरी बहुत ठीक हो गई थी, कुछ बची जो अब यहाँ पे आकर सेक और एक्यूप्रेशर वगैरह इनसे ठीक हुई है, अब वो ठीक हो गई है पूरी तरह से। क्या बात, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ममता, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति रब्दे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। याद आ गई गुरुकुल वाली। हाँ चल, क्या क्या हुआ ममता? मैं 9 दिन के उपवास नवरात्रि के समय कर लेती हूँ क्योंकि ससुराल में वो सब रहता है, हिसाब से करना पड़ता है। उपवास करो और अपना ध्यान करो, ओंकार गायत्री का हवन करो। क्या दूध पे किए हैं मैंने, दूध पे एकदम हल्का शरीर हो जाता है, इसलिए दांत दूध या जैसे लग रहे। दूध पीने से दांत भी सफेद रहते हैं क्योंकि दांतों को पोषण के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। और दूध से क्या मिल जाता है? कैल्शियम। इसलिए बच्चों के दांत भी अच्छे आते हैं जो दूध पीते हैं, जो दूध नहीं पीते उन बच्चों के दांत भी एंड बैंड आते हैं, फिर बाद में काले पीड़े, पता नहीं क्या खबर, कीड़ा लग गया, कीड़ा काड़ा लगता नहीं, दांत पुष्टि नहीं हुए, दूध नहीं पिया बच्चे ने। तो ठीक है, तू तो महीने भर क्या कर दूध पे उपवास। सुबह से शाम तक जितनी भूख लगे 1 लीटर 2 लीटर पी ले, आगे वाली को देना। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मैंने भी 12 दिन के उपवास किए थे जिसमें मेरा वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ था। कितना कर लिया था उस टाइम पे? मैंने 6 किलो कम कर लिया था। और योग ग्राम में करते हैं तो 10-12 किलो कम हो जाता है क्योंकि फिर योग भी ऊपर से ज्यादा करते हैं। योग ग्राम आने से मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम कम हो गई है बहुत, यानी क्योर हो गई, अब 10% रहा है बस। आगे देना। मेरा नाम ममता है और मैंने उपवास, हफ्ते में 1 बार उपवास करती हूँ फ्रूट का, और गैस वगैरह उससे खत्म हो जाती है। क्या बात है, आप बताओ। मैं विजयलक्ष्मी हूँ और मैं भी उपवास करती हूँ, उससे बहुत शरीर में हल्कापन लगता है। प्रणाम स्वामी जी। करो सब। मैं प्रीति। स्वामी जी, मैं आपको बचपन से फॉलो करती हूँ, 2003 से जब आप बिल्ली मोहरा गए थे तभी से, अभी मेरी 8 साल की बेटी है, अब सूरत बिल्ली मोहरा हेतलदी से। हाँ स्वामी जी, मैं तभी से, मैं बच्ची थी तभी से आपको फॉलो करती थी। ये बात तो ठीक है, कुछ बच्चे तो मुझे गर्भ से फॉलो कर रहे हैं। और स्वामी जी मेरी, क्योंकि उनकी माँ जो है मुझे देखते देखते और जैसे मैं बताता था वैसे वैसे करते थे, वो बच्चे अब 20-25 साल के हो गए। सर स्वामी जी, मेरी बेटी भी 8 साल की है अभी, वो भी आपको फॉलो करती है। और सब लोग स्वामी जी आए हैं, बस मेरी एनिवर्सरी था इसलिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए हैं। क्या बात है, बधाई हो जी। मेरी एनिवर्सरी स्वामी जी 25 तारीख में थी, बट आपका मतलब बुकिंग मिला नहीं, इसीलिए फिर हम सोचे कि ठीक है एडवांस में ही ले लेते हैं आपका आशीर्वाद। तो स्वामी जी, मुझे मतलब थोड़ा बैक पेन हो गया था तो मैंने फास्टिंग किया और मैं 70-80 बार सूर्य नमस्कार करती हूँ डेली। तो स्वामी जी, और आपके आशीर्वाद से स्वामी जी सब कुछ, भगवान ने मुझे सब मतलब बचपन से ही मैं फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ से मैं सुखी हूँ और बस आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। एकदम रेसलर जैसे लग रही है, पहलवान जैसे, आगे देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैंने 21 दिन का केवल फ्रूट पे उपवास किया, मेरा हाइपर थायराइड ठीक हो गया, क्योर हो गया एकदम। और मैं कैंसर पेशेंट हूँ तो मैं बेड पे से नहीं उठ पाती थी, ये फ्रूट डाइट ले लेके 21-21 दिन की मैं अभी काफी ठीक हो गई हूँ। आगे देना।
करो सर, स्वामी जी चरण वंदना। हम 18 साल से जुड़े हुए हैं आपसे, पति पत्नी दोनों लाइफ मेंबर है। मैं आपके पहले शिक्षक शिविर में आई थी, उस समय बहुत हालत खराब थी, पूरी स्किन डिजीजेस थी, वेट भी बहुत ज्यादा था, पर आपको टीवी पे ही देख के सिखाना शुरू कर दिया था, सीख के तो वेट भी 12-15 किलो कम किया और सारी स्किन डिजीजेस ठीक हो गई। और आपसे ही अभी तक जो अभी हम पैटर्न मेंबर बनना चाहते हैं, तो आगे मेरा नाम राजबेटी वर्मा है। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि बिना उपवास के प्राणायाम कुछ लाभ नहीं करता। जब तक आप उपवास नहीं करेंगे, प्राणायाम ठीक से होता ही नहीं है। जब तक पेट खाली नहीं होगा, आप रोटी खाते रहो और योगा करते रहो, ठीक से होता ही नहीं, उसका कुछ लाभ ही नहीं होता है। इसलिए उपवास करने से ही योग विशेष लाभ होता है जी। मेरा थायराइड हुआ था और हार्मोन डिसबैलेंस हो गए थे, दोनों ठीक कर ली जी। मैंने दोनों ठीक कर लिए, सिर्फ योग से। डॉक्टर के पास गई तो वो सुबह राजबेटी वर्मा, राज बेटी बेटी ठीक है, बढ़िया ना, सब बेटी बोलेंगे अपने जी। सुबह सुबह गोली खानी होती थी, मैंने एक महीने खाई, फिर मुझे लगा अरे सुबह सुबह उठ के गोली कौन खाता है। फिर मैंने योग शुरू किया और खाना खाते थे, योग करती थी, कुछ लाभ ही नहीं होता था। फिर मैं सोचा कि कुछ लाभ तो होता नहीं, फिर दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कुछ खाना कम करते हैं। फिर मैंने खाना कम किया, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही कम कर दिया। फिर करीबन 2 महीने तक योग करती रही, बहुत हल्का थोड़ा बहुत ले लेती थी। मैं यूँ कहता हूँ 2 महीना थोड़ा सेम रख लो, जिंदगी समझ जाएगी। लाइव एग्जांपल है राजबेटी जी। प्रणाम गुरु जी, गुजरात प्रणाम करो थोड़ा। मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। मेरे नेजल पपिलोमा था जो इधर से मांस होके इधर इतना तक निकल आया था, तो 99 में मैं ऑपरेशन कराई। उसके बाद आपको टीवी पे देखा, तब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो 2007 में मुझे दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा, फिर डॉक्टर ने बोला फिर हो सकता है, लेकिन मैं प्राणायाम योगा करके मुझे अभी तक मैं ठीक हूँ। और मुझे शुगर प्रेशर भी हो गया था, 10 साल से मैं कभी एलोपैथिक दवा खाया नहीं, अभी मेरा पूरा कंट्रोल पे है। प्रणाम गुरु जी। ओम नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम ऋचा है, मैं गाजियाबाद से हूँ। सच बताऊँ तो योग और उपवास की प्रेरणा मुझे स्वामी जी से ही मिली है। मैं योगग्राम भी आती रही हूँ, बहुत समय से आ रही हूँ, और मेरी माताजी तो जब से आ रही हैं, जब से योगग्राम शुरू हुआ है, और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और मेरी माँ भी मुझे बहुत प्रेरणा देती रहती है कि बेटा ऐसे किया कर, ऐसे किया कर, बहुत समझाती हैं। मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, सर भारी भारी रहता था और मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके उपवास किया तो मुझे इतना लाभ इसका दिखाई दिया कि मैंने घर में भी जाके 10-10 दिन उपवास किया। तो मुझे घर में मेरे पति देव बोलते थे कि इतना मत किया करो, नहीं तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा, ये करना पड़ जाएगा, डराते थे। मैंने कहा नहीं, आप भी करोगे तो आपको पता चलेगा इसका लाभ। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने भी करना शुरू किया। इससे सबसे अच्छा तो ये, मन सबसे ज्यादा शुद्ध हो जाता है। हाँ। और मन शुद्ध होता है तो अपने आप ही बीमारियां निकलने शुरू हो जाती हैं। और मैं यहाँ भी अभी 3 दिन से उपवास पे हूँ, मतलब इतना अच्छा लगता है कि सारा टाइम सतोगुण में है। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरा मोरा भी ठीक कर लिया। प्रणाम स्वामी जी। मेरे पिताजी बचपन से नेचुरोपैथी का इलाज करते थे, हम लोग बीमार पड़ते थे तो उपवास करवाते थे, कुछ भी क्रोनिक बीमारी होती थी कुछ भी, तो उपवास के विषय में मेरे को बचपन से ही मतलब कि मालूम है। और इसीलिए मेरे को अभी जब मैंने वैक्सीन लिया तो मेरे को रिएक्शन कर गया वैक्सीन, तो मैंने उपवास किया और मेरे को बुखार भी हो गई थी। जब भी बुखार होती है तो उपवास करके सारी बीमारियों को दूर करती हूँ, योगा उपवास और आपकी बताई हुई दवाइयाँ वगैरह लेके। आपके ऊपर, आपकी दवाई के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है हमारे परिवार में सबको। हम सब सुबह 4 बजे से योग प्राणायाम सब करते हैं आस्था चैनल इंडिया टीवी देखकर। बहुत अच्छा जाई, फिर अनुरोम विरोम करो। चलो प्रणाम बाबा जी। योगग्राम में मैं, मेरा दूसरी बार है और हमेशा से ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं हर रोज ही 16 घंटे की फास्टिंग करती हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरा लास्ट ईयर मतलब वेट अप्रॉक्सीमेटली मतलब 78 था, जो कि 62 हो गया उससे, इंटरमिटेंट फास्टिंग से। मुझे लगता है जब तक रास्ते पे गाड़ियां चलती रहेंगी तब तक वहां की सफाई नहीं की जाती,
उसी प्रकार बॉडी में जब तक खाना जाता रहेगा जैसे कि आजकल हो रहा है, तो तब तक उसकी सफाई नहीं हो सकती, चाहे वो तन हो या मन हो। तो इसलिए हमें खाने भोजन से अपने शरीर को ब्रेक जरूर देना चाहिए, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे हमारे लिए। ठीक बात कही, थैंक यू। पीछे देना, हाँ, इसने तो अर्थराइटिस ही मिटा लिया। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहले 21 साल की थी तब मेरे को अर्थराइटिस हो गया था, तो हमारे यहाँ सब परेशान थे कि इतना छोटे उम्र में अर्थराइटिस होने से कैसे पार पड़ेगा, एलोपैथिक में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो वो प्राकृतिक चिकित्सालय भेजे, वहाँ जाके मैं 46 डेज सिर्फ नींबू पानी पर रह के अर्थराइटिस ठीक किया। उसके बाद मैं अपना खाना पीना इतना कंप्लीट बॉइल्ड सब्जी, और उसके बाद मेरे को एक साल तक बिना नमक बिना चीनी और बिना दूध और बिना घी तेल के एक साल रखा, और सिर्फ बॉइल्ड सब्जी बिना नमक का और चपाती मिलती थी एक साल पूरा। इतना करने के बाद मेरा आज अर्थराइटिस एकदम ठीक है, और फिर जब से हमारा खाना पीना ठीक हुआ, फिर आपके योगा से जुड़ी हुई हूँ, तो आज मेरे घर में सबको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को दमा है, किसी को कुछ है, लेकिन आज आपकी कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और मैं डेली 2 घंटा रेगुलर सुबह 3 बजे से उठ के प्राणायाम योगा करती हूँ, और मेरा खान पान एकदम नॉर्मल रखी हुई हूँ। क्या बात, पीछे दिन ठाड़ी ठाड़ी तगड़ी तगड़ी सब बहनों ने बहुत कुछ ठीक किया। एक एक दो दो वाक्य में अपनी बात कहो। मुझे पीरियड का प्रॉब्लम था बाबा जी, मैंने 10 मूला रिस्ट खा के उसको ठीक किया, और नवरात्रि में फास्ट करती हूँ। बात अच्छा, आगे देना। 10 मूला बाबा जी, मैं 2002 से आपसे जुड़ी हुई हूँ, और उपवास तो होते ही रहते हैं, नवरात्रियाँ, एकादशी, और इधर अभी थोड़ा मुझे पेट का परेशानी हुई थी, और फिस्टूला का मैंने ऑपरेशन कराया था 2015 में फेस 1 में, बिल्कुल ठीक है आज, इतने साल हो गए हैं। और अभी हम सितंबर में आए थे तो मुझे थोड़ा पेट की परेशानी थी, मैंने 4 महीने द्राक्ष और खजूर पे उपवास किया और एकदम ठीक है। अभी दूसरी बार आए हैं, खजूर और द्राक्ष पर उपवास कराते हैं जी, 4 महीने मैंने। क्या बात है, आगे दे। कोटि कोटि नमन, को फॉलो करती हूँ, आप जो बताते ऐसे ही करती हूँ। मेरे डायबिटीज था, लेकिन यहाँ 5 दिन आई हूँ उपवास करते, मेरा डायबिटीज नॉर्मल हो गया है। थैंक यू। आगे दे। स्वामी जी को प्रणाम। मैं नवरात्रि में उपवास करती हूँ, जिससे मेरा शरीर बहुत हल्का लगने लगता है, और मैं स्लिम भी हूँ। हाँ, ये तो ठीक है एकदम। आगे देन, सबसे बड़ा लाभ तो इसने पाया है। निशाने, मेरा नाम निशा है और मैं जयपुर से आई हूँ। मुझे मेरा बेटे होते ही 4 दिन में ही 22 किलो वजन कम हो गया था। जैसे ही मेरा बेटा हुआ, तो मतलब जब पेट में था और मैं हॉस्पिटल गई, तब 80 किलो था, और हॉस्पिटल से घर आई तो 59 किलो था। तो डॉक्टर्स ने तो कहा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेडीज बहुत दिनों तक वजन कम करती हैं, आपका तो एक साथ हो गया। फिर उसके बाद मुझे बहुत थकान रहने लग गई, और मुझे काम करने की इच्छा तो करती थी पर काम होता ही नहीं था, तरीके से नहीं हो रहा था, बीमारी से वजन कम हो रहा था। हाँ, फिर कई डॉक्टरों के पास घूम के पता लगा कि अभी इसको ANA पॉजिटिव था, वेरी स्ट्रॉन्ग, और SLE डिटेक्ट हुआ मुझे। SLE के कारण मुझे स्केलोडर्मा भी हो गया। उसका इफेक्ट इतना आता गया कि मेरे नाक में से नक्सीर आने लग गई, और बाथरूम तक जाती थी तब तक मेरे दोनों हाथ खून से भर जाते थे। ये राम। फिर उसके बाद मुझे कानों में टिनाइटिस हो गया, मेरे दोनों कान 20% खराब थे। फिर उसकी थेरेपी लेने के लिए डॉक्टर मुझे बुलाता था, तो 30 मिनट तक उतनी तेज आवाज सुनाई जाती थी जितनी तेज मुझे मेरे कान की आवाज सुनाई ना दे। ओहो। पर उससे तो मुझे बिल्कुल पागलपन सा हो गया, और फिर मैंने उसको छोड़ के मैंने भ्रामरी किया 21-21 बार डेली, 3 बार करती थी। उससे मेरा दिमाग थोड़ा कंट्रोल हुआ, अदरवाइज मैं सो नहीं पाती थी, म्यूजिक चला के या रेडियो चला के सोती थी। फिर मेरी ईसोफेगस श्रिंक हो गई, मैं कुछ भी खाती थी तो मेरा खाना गले में अटक जाता था। SLE में ऐसे होता ना, एक के बाद दूसरा। फिर खाना चिपकने लग गया, 2-2 घंटे तक वो खाना गर्म पानी के साथ भी नीचे नहीं जा पाता था। अब मुझे लगता था अब मैं क्या करूं। अब फिर मेरा स्टेरॉइड वगैरह चालू हो गया, मेरा 80 mg से शुरू हुआ था, तो उससे मेरा 11 दिन में 13 किलो वजन बढ़ गया। बताओ। मैंने 5.5 साल स्टेरॉइड्स खाए हैं,
उसके बाद मुझे ILD हो गया। उसके मैंने 3 महीने तक एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाई थी। मैं काम तो मैं सारा कर लेती थी क्योंकि मेरी विल पावर अच्छी थी। मेरा बेटा 1 ही साल का था और डॉक्टर्स ने बोल दिया था 1 साल के बाद ये नहीं रहेगी, इसको जितना संभालना है अभी संभाल सकते हो, इसके बाद ये नहीं रहेगी। पर बस मेरे बच्चे के आसपास बोलते रहते थे, उस कारण से मुझे अवसाद नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ। निर्दयी होते हैं, किसी को बोल तो 1 महीने बाद 1 साल बाद नहीं रहेगी, ऐसे बोलने से आदमी आदत मर जाता है। आज मेरा 8 साल का बेटा है और मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद ये है इसका विल पावर, योग और अपने आत्म संयम। हाँ, विल पावर तो बाबा आप देते हैं। एक मैंने एक एक महीने जी, मेरी मम्मी को योगा पे बहुत ज्यादा विश्वास था क्योंकि उन्होंने अपना ILD ठीक किया था। ये लम्मा ने भी ठीक किया। 15% ही लंग्स काम करते थे, वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जा पाती थी। पर वो योगा करती रहती थी और ग्लास लेके। क्या नाम है तेरी माँ का? सविता खंदा। क्या बात है, तो चलो उस माँ को भी प्रणाम, उसने हौसला दिया अपनी बेटी को, बेटा जब मैं ठीक होगी तो भी ठीक हो जाएगी। जिस दिन मुझे ऐसे ली हुआ था उसके दूसरे दिन से मैं योगा टीचर मेरा लग गया था कि मेरा स्किप ना हो, और आज तक कभी मैं भी छुट्टी नहीं करती, वो भी छुट्टी नहीं करती। ये बात, तो योग को फिर ऐसे पकड़ के। फिर उसके बाद मेरे हार्ट पे पानी आ गया, 10 ml पानी है मेरे हार्ट पे अभी। अब की बार जब मैं आई तो रिपोर्ट करा कर आई तो थायराइड बढ़ा हुआ था। ये सब दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। मुझे वो लंग फेलियर ना हो इसलिए एक बायोलॉजिकल भी लगा, 1.5 लाख का इंजेक्शन। पर उसके बाद डॉक्टर देखता रहा कि इसको लग जाए, तुम मरी तो नहीं, पर मेरे लगा नहीं वो इंजेक्शन। उसको जब वो इंजेक्शन का एक एक ड्रॉप अंदर जाता था तो धच धच, मतलब इतनी तेज दर्द होता था। वो 1 ग्राम इंजेक्शन 8 बॉटल्स में लगता है, मतलब इतना डाइल्यूट करा जाता है उसे। लेकिन बेटा तो बड़ी हिम्मत वाली भाई, इसके हौसले के लिए अभिनंदन। इतनी बीमारियां सुन के तो दूसरे को रोना आ जाए, हाँ, लेकिन ये इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। चलो आशीर्वाद। नहीं, बहुत हिम्मत वाली बेटी है। देखो मुझे बहुत एंटी डिप्रेशन टैबलेट चलती थी, मेरे हस्बैंड कहते थे ले इनको, कैसे होएगा, पर उनको लेने के हाथ दूसता था। मैंने एक भी दिन नहीं ली। क्या? और जब वो मुझे बायोलॉजिकल लगा था तो 2 दिन तक मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया था, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोला है। पर मेरे साथ एक डॉक्टर निक्की बुलानी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर जो बाबा जी मोती पृष्टि वगैरह बताते हैं शायद उसने उसी समय मुझे दे दी थी, इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। ये मोती पृष्टि आदि से जो इतना उपद्रव होता है ना इन दवाइयों का, वो शांत हो जाता है। मोती पृष्टि बहुत ठंडी होती है। उसी ने मुझे वो कल्प वगैरह बताया, मुझे जब ILD हुआ था जब मुझे बायोलॉजिकल लग गया था, फिर भी यहाँ की गुवाहाटी की कोई पेड़ की जड़ से मुझे वो यज्ञ कराती थी। अब क्या घर पे भी सब रोज यही कहते थे तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तो मैं भी थक गई थी डॉक्टर के जाके। मैं सुबह 4 बजे मेरी बच्चे का टिफिन लगा के कई बार उन दोनों बच्चों को लेके ही जाती थी मेरे ट्रीटमेंट्स पे। क्या बात, फिर ऐसे हौसला जिनमें रहेगा ना वो कभी किसी भी बीमारी से हार नहीं सकते। चलो निशा जैसी बेटियां बहादुर बेटियां, तो ऐसे योग का एक बार आश्रय पकड़ा ना तो उसको छोड़ो मत, तो आप बड़ी से बड़े रोगों पर विजय पा सकते हो। योग के साथ हमने तो यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान, रहन सहन, अलग अलग थेरापी इतनी जोड़ दी है, अब कोई धरती पर रोगी नहीं रह सकता। तो मेरी ताकत ही मेरे हस्बैंड है, उसने कभी मुझे रोज 4 बार योगा कर लिया, योगा घर में ऐसे सहारा देना चाहिए। कभी भी कभी कितने ही कष्ट में आ जाए हौसला नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोग बस हार के बैठ जाते हैं। बाबा श्री 6 दिन से आया हूँ, अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन आपका जो इंतजाम है इन सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है, किसी को कोई लाइन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और पूरा सब आपका स्टाफ, डॉक्टर्स जो भी पूछो सच्चा जवाब देता है और अच्छी तरह से सब रिस्पॉन्स करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समाज का बड़ा काम किया है, बहुत धन्यवाद बाबा श्री।